हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल जेएस पर। आज के हमारे सेशन में हम डिस्कशन करेंगे 25 जून से लेकर के 27 जून तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर। साथ ही साथ हर सेशन की तरह इस सेशन में भी आपसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। उस क्वेश्चन के आंसर पर डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं लास्ट सेशन में पूछे गए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले 21 जून को हुए सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स इनमें से किस तरह का था? ऑप्शंस हैं आपके आंशिक सूर्य ग्रहण, पार्शियल सोलर इक्लिप्स या पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स, वलयाकार सूर्य ग्रहण, एनुलर सोलर इक्लिप्स, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। आंसर है वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी एनुलर सोलर इक्लिप्स। कहा जा रहा है कि यह इस सदी का सबसे गहरा सूर्य ग्रहण यानी डीपेस्ट एनुलर सोलर इक्लिप्स था। यहाँ पे डीपेस्ट का मतलब है चांद पूरी तरह से सूरज को ढक नहीं पाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 98.9% ढक लिया तो इसे डीपेस्ट एनुलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। साल 2023 में होने वाले महिला विश्व फुटबॉल कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? ऑप्शंस हैं रूस, चीन, ब्राजील, न्यूजीलैंड। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन के आंसर पर डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारा इस सेशन का पहला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना में किस स्वदेशी टॉर्पीडो विध्वंसक प्रणाली यानी टॉर्पीडोज डिस्ट्रॉयर सिस्टम को हाल ही में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं रंजीत, मरीन, मारीच, M1। आंसर है मारीच। मारीच को DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। मारीच प्रणाली हमलावर टॉर्पीडो का पता लगाने, उसे भ्रमित करने और नष्ट करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 TIFF ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन दो भारतीय फिल्म कलाकारों को बनाया है? ऑप्शंस हैं प्रियंका चोपड़ा और रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप, दीपिका पादुकोण और करण जौहर, प्रियंका चोपड़ा और सुजीत सरकार। आंसर है प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के लिए किस अभियान को शुरू किया? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। आंसर है आपका आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश में लगभग 35 लाख से ज्यादा मजदूर घर वापस लौटे हैं और वर्तमान में यह योजना उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार टीबी बीमारी की वजह से वर्ष 2019 में कितने लोगों की मौत हुई? ऑप्शंस हैं 19,144, 29,144, 79,144, 89,144। आंसर है 79,144 यानी 79,144। एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किया है। WHO ने वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट में भारत में 26.9 लाख टीबी मरीजों का अनुमान लगाया था तथा 4.4 लाख मृत्यु का अनुमान लगाया गया था। एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 5 राज्यों में देश के लगभग आधे से ज्यादा मरीज हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश 20%, महाराष्ट्र 9%, मध्य प्रदेश 8%,
राजस्थान 7%, बिहार 7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार स्टेट टीबी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब। आंसर है गुजरात। आंध्र प्रदेश, इसमें गुजरात को पहला स्थान मिला है, आंध्र प्रदेश को दूसरा और हिमाचल प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। छोटे राज्यों में नागालैंड और त्रिपुरा दोनों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली और दमन दीव को सर्वश्रेष्ठ सम्मानित किया गया है। भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक टीबी का उन्मूलन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद को धन उपलब्ध होने पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे सूची में बरकरार रखा है? ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, चीन। आंसर है पाकिस्तान। FATF के मुताबिक पाकिस्तान लश्करे तैयबा जैश ए मोहम्मद को धन उपलब्ध होने पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। इससे पहले FATF ने पाकिस्तान को 27 सूत्रीय कार्ययोजना दी थी, लेकिन वह भी पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात वित्तीय कार्रवाई बल, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका उद्देश्य है आतंकवाद के लिए हो रहे फंडिंग को रोकना और इसके लिए नीति बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की वजह से डेविस कप पुरुष टेनिस फाइनल्स 2020 रद्द कर दिया गया है, अगले साल यह आयोजन कब होगा? ऑप्शंस हैं मार्च 2021, अप्रैल 2021, अक्टूबर 2021, मई 2021। आंसर है मार्च 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, कर्नाटक। आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने, मवेशियों द्वारा खुले में चराई को रोकने, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व के शुभ दिन से की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए गोबर की खरीद भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यह घोषणा की है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? ऑप्शंस हैं इराक, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। आंसर है ईरान। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने घोषणा की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय जल में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए हिंद महासागर में एक स्थायी आधार स्थापित करने की योजना बना रहा है। IRGC मार्च 2021 के अंत तक हिंद महासागर में एक स्थायी आधार बनाने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस अमेरिकी इंजीनियर के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं मैरी डब्ल्यू जैक्सन, जॉर्ज सुमार्कर, डब्ल्यू सी चेन, माइक पैडल। आंसर है मैरी डब्ल्यू जैक्सन।
अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वॉशिंगटन डीसी में स्थित इसके मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा और वो एजेंसी की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, इनमें से कोई नहीं। आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है। भारत हाल ही में इस गठबंधन का संस्थापक सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने अनौपचारिक बैठक में इस गठबंधन की घोषणा की है। वह 30 जून को औपचारिक रूप से गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य होगा कोविड-19 महामारी के प्रभावों के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं कुशीनगर हवाई अड्डा, आगरा हवाई अड्डा, बांका हवाई अड्डा, उपरोक्त सभी। आंसर है कुशीनगर हवाई अड्डा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को हुई कैबिनेट की मीटिंग में इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का फैसला हुआ है। इससे विदेशों से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों को आसानी होगी। बौद्ध सर्किट में कुशीनगर का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने सभी सहकारी बैंकों को किस संगठन की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश पास किया है? ऑप्शंस हैं सेबी, एसईबीआई, आरबीआई, एसबीआई, सीबीआई। आंसर है आरबीआई। 1482 शहरी सहकारी बैंकों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और 58 बहुराज्य सहकारी बैंकों, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक समेत सरकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की सुपरवाइजरी पावर्स के तहत लाया जा रहा है। आरबीआई की शक्तियां जैसे कि अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही अब सहकारी बैंकों के साथ भी लागू होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक लाइव मैटर अभियान के असर से किस कंपनी ने अपने ब्रांड फेयर एंड लवली से फेयर शब्द हटाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, द हिमालय, बायोटिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा है कि वह अपने फेयरनेस क्रीम ब्रांड का नाम बदलने के अलावा पैकेजिंग से व्हाइटनिंग और लाइटनिंग सब जैसे शब्द हटा देगी। यह अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के चलते नाराजगी के बाद चल रहे आंदोलन के तहत किया गया है। अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों में ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान चल रहा है। ब्लैक लाइव्स मैटर का अर्थ है श्वेतों का भी जीवन मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी आर्मी के खिलाफ किस देश ने अपनी सेना यूरोप से हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। आंसर है अमेरिका। अमेरिका यह कदम ऐसे समय उठा रहा है कि जब चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। दूसरी ओर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन और साउथ चाइना सी में खतरा बना हुआ है। पोम्पियो ने कहा है कि हमारी तैनाती ऐसी हो कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन जैसे एशियाई देशों को चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर
अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर उन्हें इस तरह तैनात करे कि वे जरूरत पड़ने पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की सेना का मुकाबला कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2020 में भारत की GDP में कितना गिरावट का अनुमान लगाया है? ऑप्शंस हैं 4%, 4.5%, 5%, 1%। आंसर है 4.5%। IMF मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने अपडेटेड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिनेरियो की रिपोर्ट 24 जून को जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की अर्थव्यवस्था में 2020 में 4.9% की गिरावट आएगी, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था में 4.5% की गिरावट आएगी। 1961 के बाद से यह सबसे धीमी वृद्धि है। भारत की इकोनॉमी में 6 दशकों की यह सबसे बड़ी गिरावट है होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 25 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून। आंसर है 26 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। आंसर है हिमाचल प्रदेश। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया। ई पंचायत में जन्म मृत्यु पंजीकरण सहित प्रिया सॉफ्टवेयर के तहत आय व्यय का लेखा सब ऑनलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? ऑप्शंस हैं सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, जहीर खान, राहुल द्रविड़। आंसर है राहुल द्रविड़। विजडन इंडिया के एक सर्वे में राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। विजडन द्वारा करवाए गए इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग की थी। इसमें से द्रविड़ को 52 और तेंदुलकर को 48% वोट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शंस हैं श्री कृष्ण मंदिर, गणेश मंदिर, विष्णु मंदिर, राम मंदिर। आंसर है श्री कृष्ण मंदिर। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है। इस मंदिर को बनाने में 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का खर्च आएगा। भगवान कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद के H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 15 मार्च, 12 मई, 23 जून। आंसर है 23 जून। प्रत्येक वर्ष 23 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी इंटरनेशनल ओलंपिक डे का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है मानवीय जीवन में खेल महत्व को चिन्हित करना और दुनिया भर में खेल और खेलों को भागीदारी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उद्योगों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, भारत, रूस। आंसर है भारत।
भारत ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। आयात पर लागू किया जाने वाला यह शुल्क 13.07 डॉलर प्रति टन से लेकर 173.1 डॉलर प्रति टन हो सकता है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार चीन, वियतनाम और कोरिया पर अधिरोपित किया गया एंटी डंपिंग शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, विजय शंकर व्यास। आंसर है अमर्त्य सेन। जर्मनी के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के संगठन जर्मन बुक ट्रेड ने भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन को साल 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 2%, 3%, 4%, 5%। आंसर है 2%। यह कदम छोटे कारोबारियों को कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन से हुई समस्या से पार पाने में मदद के लिए उठाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु श्रेणी में लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की शुरुआत की थी। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का कर्ज लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को दिया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।